Alaikum students I am Hassan Nsa, your computer teacher our lecture is of class 7 keyboard Oxford syllabus keyboard third edition and we will in this video we will learn about chapter number one formulas in excel in this chapter we will learn how to use formulas excel formulas cell range references pointing relative absolute and mixed रेफरेंसेज और मिक्स एड्रेस एक्सल फार्मूलाज एंड एक्सल फार्मूला ऑलवेज़ स्टार्ट विद एन एक हमेशा जो है वो इक्वल साइन से ही स्टार्ट होगा और ये फार्मूला जो है डेफिनेशन से ही हमें बिल्कुल वाज़ हो रहा है कि ये जो है कम्बिनेशन ऑफ सैल रेफरेंसेज वैल्यूज़ फंक्शनज़ एंड ऑपरेटर्स से वैल्यूज़ फंक्शनज़ एंड ऑपरेटर्स ठीक है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यूज़ क्या होती हैं वैल्यूज़ जो हैं वो टू टाइप्स की होती हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी होती हैं और स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी होती हैं न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो सिंपल नंबर जो होंगे उनको हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ कहते हैं और जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए से जी तक उनको हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ कहते हैं अच्छा कैलकुलेशन में हम जो है न्यूमेरिक वैल्यूज़ यूज़ करते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज़ हम कैलकुलेशन में यूज़ नहीं कर सकते उसके बाद सर रेफरेंसेस सर रेफरेंसेस को हम सर एड्रेसेस भी कह सकते हैं ये जो है कम्बीशन ऑफ रो रो एंड कॉलम जैसे C3 जो है ये कम्बिनीशन है रो और कॉलम का थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम फंक्शन फंक्शन जो हैं इसमें हमारे पास सम है एवरेज है मिनिमम है मैक्सिमम है और काउंट है ये फंक्शन जो है हम एक टाइम में एक ही फंक्शन यूज़ कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स जो, जो है ये फंक्शन तो जिस तरह मैथ में ऑपरेटर्स का जो फंक्शन है यहाँ पे भी ऑपरेटर्स का फंक्शन वही है लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साइंस जो हैं वो यहाँ पे चेंज हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए हम मैथ्स में क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं यहाँ पे हम स्टेरिक यूज़ करेंगे स्टार का साइन उसके बाद डिवीजन के लिए हम मैथ्स uh, का एक स्पेसिफिक साइन है डिवीजन के लिए यहाँ पे हम फॉरवर्ड साइन यूज़ करेंगे डिवीजन के लिए ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है सेल एंड रेफरेंसेस इसमें आप देख लें जैसे आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि सेल रेफरेंसेस या फिर रेंज रेफरेंसेस या सेल एड्रेस या रेंज एड्रेस ठीक है सेल सेल इन कॉलम ए एंड रो वन ए वन मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है सेल वो कम्बिनेशन होता है रो और कॉलम का रो और कॉलम को हम कंबाइन करें तो हमारे पास सेल बनता है ठीक है द रेंज ऑफ सेल इन कॉलम बी एंड रो वन थ्रू ट्वेंटी बी वन रेशियो बी ट्वेंटी रेशियो जो बीच में दी हुई है ये रेंज है इस इन दोनों को कॉलम को कनेक्ट uh, करी ऑल सेल इन रो एट के ऑल सेल्स हमने चेक करने हैं तो हमारे पास एट रेशियो एट आएगा नेक्स्ट है यूजिंग फार्मूला हम फार्मूला जो है वो किस तरह यूज़ करेंगे ट्वेंटर फार्मूला सेलेक्ट सेल एंड इंटर द फार्मूला इन द सेल और इन फार्मूला बार हमने कोई फार्मूला इंटर करना तो हमें पहले हम सेल को मार्क करें कौन से सेल पे हमने फार्मूला इंप्लीमेंट करना है ठीक है जब हम फिनिश कर चुकेंगे फार्मूला इंटर कर चुकेंगे तो हम इंटर कर इं, इंटर का जो है बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास फार्मूला के रिजल्ट्स आ जाएंगे लेकिन फार्मूला शो नहीं होगा सिर्फ आपको इनपुट वैल्यूज़ शो होंगी और रिज़ल्ट शो होगा इंटर को प्रेस करने के बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंटिंग इंटरिंग फार्मूला बाई पॉइंटिंग हेल्प टू अवॉइड एरर्स वैन इंटरिंग सेल रेफरेंसेज इन योर फार्मूलाज पॉइंटिंग से हमारे पास क्या बेनिफिट होता है कि हमारे पास एरर के जो चांसेस हैं ना वो बहुत कम रह जाते हैं ठीक है सर इसमें फार्मूला हम पॉइंटिंग से अगर डालेंगे तो हमारे पास जो आ, 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 क्या कहते हैं इसको एरर जो है इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर हम सर रेफरेंसेस को टाइपिंग से हम इ, इंटर करेंगे तो हम डायरेक्ट सिंगल डबल क्लिक सिंगल क्लिक करेंगे हम रेंज के ऊपर माउस से किसी भी रेंज के ऊपर जहाँ पे हमने पुट करना है कोई भी फार्मूला वहाँ पे हम माउस से डायरेक्ट क्लिक करेंगे और वहाँ पे हम कोई भी सर रेफरेंसेज इंटर कर देंगे ठीक है यह फार्मूला हम वहाँ पे इंटर कर देंगे तो इसमें क्या होता है कि एरर के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड मिक्स मिक्सड रेफरेंसेज वेन वी यूज़ सर रेफरेंसेज इन फार्मूला यू कैन यूज़ फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ रेफरेंसेज हम सर रेफरेंसेस में तीन तरह के रेफरेंसेस या ड्रेसिज यूज़ करते हैं रिलेटिव एब्सोलूट एंड मिक्स्ड इनको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के साथ वीडियो बनाएंगे जहाँ पे जिसमें हमें आपको एक्सेल के बारे में एक्सेल के बारे में एक्सेल के अंदर आपको फार्मूला पुट करके जो है आंसर आपको शो करवाएंगे इंशाल्लाह ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच